अकोला जिले के पातौर तालुका के बिबरा गांव में बुधवार को अंतिम संस्कार के समय एक अजीबोगरीब घटना घटी है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड में कार्यरत प्रशांत रामकृष्ण की चिखली में मौत हो गई थी, जिसे अंतिम संस्कार के लिए बिबरा गांव में लाया गया था। जब उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो एक तांत्रिक ने रास्ते में आकर कहा कि मैं इसे जिंदा कर सकता हूं, और फिर उसे एक मंदिर में ले जाया गया और वहां पर तंत्र मंत्र के बाद प्रशांत उठकर बैठ गया है, जिसके बाद उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में गांववासी की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों का मानना है कि प्रशांत के भीतर देवी प्रकट होती थी। वह कई लोग जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले तो ये प्री प्लान है, इसमें ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो कि एक चमत्कार जैसी हो, और कई लोग इसे अंधश्रद्धा से जोड़कर भी देख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। शायद क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद अकोला जिले के पातुर में एक जो घटना घटी है जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं, क्या वाकई एक मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो उठा है, या एक चमत्कार है या अंधश्रद्धा है? शायद जी जी मैं आपको बता दूं कि अभी जब हमने वहाँ पर गांव वालों से हकीकत तहकीकत करने शुरू की है तो उसमें ये जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है कि ये पहले से किसी तरह का एक प्लानिंग इनका जो तांत्रिक के साथ इनका संबंध होने की जानकारी सामने आ रही है, और साथ ही साथ ये कुछ किसी तरह का एक यानी अंधश्रद्धा को लेकर ये कार्य किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये जो प्रशांत था तो ये प्रशांत को पहले ये महाराज के जरिए तांत्रिक ने इसने उसे शायद से पहले बेहोश किया है या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से इस तरह का पूरा एक षड्यंत्र भी बोला जाए तो इस तरह की ये भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अंधश्रद्धा का काम यहाँ पर किया गया इसकी तहकीकात की जा रही है। और अभी फिलहाल में थोड़ी देर पहले की जानकारी आपको बता दूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन दस्ता भी वहां पर पहुंच चुका है और वो मन बना चुका है इस पूरे मामले के ऊपर एक शिकायत दर्ज करवाने की, कंप्लेन दर्ज करवाने की। लेकिन जिस तरह से कई लोगों के अंदर इस बात को लेकर कोई इसे चमत्कार मान रहा है, कोई देवी का वरदान मान रहा है, कोई अलग अलग, हर किसी की अलग अलग राय इस पे बनी हुई है, और पुलिस भी इस मामले की अब गंभीरता से जांच कर रही है। और पुलिस का कहना है कि इसका पूरा जो भी तथ्य निकल कर जो सच है वो निकाल कर हम सामने लाएंगे, और रात में भी उस तांत्रिक को गिरफ्तार किया, ताबे में लिया गया था, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिली है तो उसे दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और इस पूरे हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सवाल ये है कि जो तांत्रिक हैं, क्या वो फेमस होने के लिए ऐसे ही पूरी उसने कूट रचना रची है, और क्या पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी, और क्या उस तांत्रिक को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की जाएगी? जी जी अंधश्रद्धा जो निर्मूलन दस्ता है जिसके जो यहाँ के लोग हैं वो गांव में पहुंच चुके हैं और इस मामले में पूरी तहकीकात वो कर रहे हैं, उस मामले की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद में हम उनसे संपर्क में हैं। उन लोगों का कहना है कि जल्दी हम इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे, पातुर पुलिस के पास में इसकी पूरी शिकायत दर्ज कराएंगे, और शिकायत दर्ज होने के बाद ही पुलिस इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है शाहिद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अकोला जिले के पातुर तालुका के बिबरा गांव में यह पूरी घटना घटी है, जहां पर अंतिम संस्कार के समय एक अजीबोगरीब बात सामने आई है। बता दें कि होमगार्ड प्रशांत रामकृष्ण की चिखली में मौत हुई थी, जिसे अंतिम संस्कार के लिए बिबरा गांव ले जाया जा रहा था, जहां पर एक तांत्रिक ने उसे रास्ते में रोका और उसे किसी तरह जिंदा कर दिया है। अब ये एक चमत्कार है या फिर अंधश्रद्धा है, पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।